तो सलाम सत श्री अकाल आदाब कैसा बने जा। तो आज के प्राइम टाइम देख ल रहूँ सभी चालू कर दिल बनी तो काम करी चैनल बनाए बनी सब्सक्राइब कर जाए बेल आइकन घंटी दे जाए बाकी संगे मित्र और दौर दयाल संगे भी शेयर कर। तो चलिए हमने आज के प्राइम टाइम चालू कर ली जो हमें बहुत ही खास खास खबर बात दिनेश लाल ने रहुआ के एगो बहुत ही यूनिक से भी खबर आई बटे तब हमने के बात चालू कर दिया। दरअसल आज के प्राइम टाइम में बहुत ही यूनिक और खास खबर बात दिनेश लाल ने रहुआ के फिलिप्स दुल्हा हिंदुस्तानी के फर्स्ट लुक सामने आ गई बटे। फर्स्ट लुक सामने आ गल बा, अब सेकेंड लुक भी सामने आ गल बा और साथ में ए फिल्म के ट्रेलर कब रिलीज हुई वो भी सामने आ गल बा। तो फाइनली ये फिल्म के पोस्टर में देख रहा बानी कि एक नाथ चार चरगो स्टार दिखाई दे रहा बा। हाँ दरअसल ये फिल्म में दिनेश लाल निरहुआ, अम्रपाली दुबे, मधु शर्मा और समीर आफ्ताब ए फिल्म में स्टार कास्ट में दिखाई दे रहा बन जाए। तो फाइनली ये फिल्म के निर्माता बानी अभय सिन्हा और प्रशांत जम्बू वाला समीर आफ्ताब जौन की ए फिल्म के हीरो में भी बने और ये फिल्म के डायरेक्ट कल बने असलम खान। असलम खान ए फिल्म के कितना सुंदर और कितना कमाल के बने लोग उगते एक ट्रेलर आई तो पता चल जाए। दरअसल एक ट्रेलर रोमा सभी देख सकतनी इंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। हाँ इंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर एक ट्रेलर रिलीज कल जी 29 तारीख के सुबह 6 बजे ए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कल। तो फाइनली ये बहुत ही कमाल के फिल्म होखे वाली भी है। अब हमने का अगला खबर के तरफ बढ़ ली जौन फिल्म बिया घर जमाई। हाँ घर जमाई प्रमोद प्रेमी के जौन फिल्म बिया वो काफ़ी यूनिक्स और काफ़ी मतलब अलग हट के फिल्म भी काहे कि जब ये सेकेंड पोस्टर आएगा तो सेकेंड पोस्टर में कुछ यूनिक्स लग रहा काहे कि फर्स्ट वाला पोस्टर में तो एगो प्रमोद प्रेमी खाली मतलब वो डॉक्टर वाला वर्दी पहन के डॉक्टर लेखा आला लेके खड़ा रहूँ लेकिन इस सेकेंड वाला पोस्टर में कुछ अलग हो गए बटे। कैसे एक तरफ सेम अंदाज में ऑटो के वर्दी पहन के ऑटो वाला बनल बढ़न और एगो डॉक्टर भी बनल और अंदाज उहे बटे एक जना आला लेके खड़ा बढ़न और एक जना गमछी धा के खड़ा बढ़न यानी अंदाज उहे बटे मतलब रंग अलग हो गल बा और घर जमाई के नाम बटे। तो हमके थोड़ा सा संदेह होत बटे कि घर जमाई फिल्म में कहीं डबल रोल में तो प्रमोद प्रेमी नहीं के नजर आवे वाला बड़न कुछ ऐसा प्रतीक होत दिखाई दे रहा बा। अब तो एक ही बटे कि का कितना हद तक सच्चाई बा कितना हद तक ना वो तो जब ए फिल्म के ट्रेलर आई सामने तो पता चल जी अभी कुछ भी कहल ठीक और उचित नहीं खे लागत। तो फाइनली ये फिल्म के सेकेंड लुक्स आ गुल बटे। अब बहुत जल्दी ये फिल्म के ट्रेलर के भी अनाउंसमेंट कर ली आधिकारिक रूप से अभी ट्रेलर के अनाउंसमेंट नहीं कल गई लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद बा कि छठ के इर्द गिर्द में ये फिल्म के ट्रेलर जरूर आई वो बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली ये फिल्म बहुत ही खास और कमाल के होखे वाली भी है। दरअसल ये फिल्म के निर्माता बानी संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल और ये फिल्म के लिखले बानी और डायरेक्ट भी कैले बानी इश्तियाक शेख बंटी। अब इश्तियाक शेख बंटी ये फिल्म के कितना सुंदर और कितना कमाल के बने लोग हम वो तो वक्त और समय दोनों हमने के बता दी। तो फाइनली ये फिल्म के स्टार कास्ट में प्रमोद प्रेमी, स्मृति सिन्हा और संजय पांडे नजर आ रहा जब और बता दी कि ये फिल्म में प्रमोद प्रेमी और स्मृति सिन्हा ये पहली बार एक साथ आयल बढ़ा जाए तो अभी लोगों का केमिस्ट्री भी कितना कमाल की हुई कितना सुंदर हुई ये देखल अभी बाकी बटे और सच में मजा भी आई। चलिए तब हमने के अगला खबर के तरफ बढ़ ली जौन फिल्म फसल से जुड़ल बटे। तो फसल फिल्म के देखी तो लगभग 80% से ऊपर हिस्सा शूट कर चुकल मतलब कर लिहल गोल बटे और कमाल कमाल के फोटो सामने आ रहा बा यानी ए में कुछ ऐसा फोटो भी आ रहा बा जैसे पोटेस्ट के लागत बा कि फिल्म के अंदर कुछ ऐसा सीन बा जहाँ पोटेस्ट होखे वाला बटे मतलब ए तरह के सीन भी शायद ए फिल्म में देखे के मिले वाला बटे। अब देखबा कि फिल्म कितना जमीन से जुड़ल और रियल मुद्दा से रिलेटिव होखे वाले भी है इ ना कि बलाई टारे वाले हुई तो बड़ा दुख हुई काहे कि बहुत ही आस के साथ ये फिल्म से देखे खातिर चाहे ये फिल्म के जुड़ल दर्शक लोग बहुत व्याकुल बढ़न कि ये फिल्म कितना खास और कितना यूनिक्स हुई और खास कर दिनेश लाल निरहुआ के तो एगो फैंस के अलग उनका पैटर्न हुए उनकर फिल्म देखे खातिर। तो फाइनली बहुत दिन बाद फिल्म में वापसी कर दिनेश लाल निरहुआ दिखाई दे रहा और साथ में अम्रपाली दुबे भी बड़ी तो ये फिल्म बहुत ही खास होखल भी है और सबसे बड़ा बात बा कि ये फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल बड़न। पराग पाटिल बहुत ही एगो सुलझर और कमाल के डायरेक्टर हन जब भी कोनो यूनिक्स वाला फिल्म करलन एकदम से मजा मजा ही आ जाला। तो फाइनली अब हमने के अगला
खबर के तरवल जी उ काफी यून एक्सपर्ट। दरअसल अगला खबर बटे राकेश मिश्रा के एगो फिल्म बटे भाई भाई का प्यार। हाँ, भाई भाई के प्यार के फर्स्ट लुक सामने आयल हवे और सामने आते ही ये भी सामने आ गए हवे कि ये फिल्म के ट्रेलर कब और कहाँ आई। सही बताओ तो नहीं, ये भी सामने आ गया। दरअसल हम राकेश मिश्रा के बारे में बताए तो राकेश मिश्रा के कुछ दिन पहले बहुत चर्चा रहे, चाहे राजा जायज न बहरे जिस तरह उनका गाना वायरल भे रहे, और बाद से एगो दू गो गाना और ही पैटर्न में खूब अच्छा खासा चलल और अच्छा खासा इनकर पब्लिसिटी और नाम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में आए रहे। लेकिन अब दिन पर दिन अगर देखा जाए तो अभी उनका पॉपुलरिटी में गिरावट ही आ रहा बा, कौनो खास ऐसा नहीं उन्होंने देखे ना। तो इतना बड़ा फिल्म और इतना आसानी से फिल्म का फर्स्ट लुक आ जाओ, फिल्म के चर्चा ना हो खो, ट्रेलर के रिलीजिंग डेट आ जाओ, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हमको लगा था कि भोजपुरी के जो हीरो लोग बढ़ अपना फिल्म पर मतलब ना कर जला उन लोग के कंट्रोल तो ना क्यों नहीं खे, कहें कि एल्बम लिखा था आजकल फिल्म करते रह जाए तो ना क्यों लोग फिल्म पर कंट्रोल नहीं के पोस्टर कब आता, फिल्म कब आयत बटे, ट्रेलर कब आयत बा, एह लोग के पोस्ट करत करत मालूम चल रहा कि मार्केट में आ चुकल बटे, कई गो बार ऐसा देखल गई बटे। सही बात होते कई बार ऐसा देखल गई बा। तो फाइनली भाई भाई के प्यार में देख रहा मैंने कि कैसे राकेश मिश्रा के साथ रितु सिंह दिखाई दे रहा बड़ी। तो रितु सिंह एक कमाल के एक्टर सही, अब देख बड़े के राकेश मिश्रा के साथ उनका कितना कमाल के एक्टिंग दिखाई दे रहा बा। काहे कि राकेश मिश्रा अगर बात करी तो इस फिल्म खातिर ओवर एक्टिंग के बहुत बड़का हीरो हन। सही बताओ तो नहीं, आज तक इनका कितनों फिल्म उठा के देखा, गाना अलग बा कि लोग गाना सुन लेलन वो अलग बात बा, लेकिन इनका कौनों फिल्म उठा के देख लो अगर ओवर एक्टिंग के मतलब बहुत बड़का मास्टर ना हो गया तो फिर बात का। तो फाइनली भाई भाई का प्यार के फर्स्ट लुक के साथ ही ए फिल्म के ट्रेलर के भी अनाउंसमेंट कर दिल गल बा कि कब और कहाँ आए। दरअसल ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर ली वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर। दरअसल ये फिल्म के निर्देशक बनी रंगलाल आर निषाद और एक निर्माता बनी विक्रांत मेहत्रा और एक फिल्म के स्टार कास्ट में राकेश मिश्रा रितु सिंह नजर आवे बड़ा। दरअसल ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर ली वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर 28 अक्टूबर के सुबह 11 बजे ए फिल्म के ट्रेलर रिलीज कई ली। तो चलिए अब हमने के अगला खबर के तरफ बल जी ऊ बाट है फिल्म मुझे कुछ कहना है। हाँ, प्रदीप पांडे के चिंटू फिल्म मुझे कुछ कहना है से जुड़ल कुछ अपडेट्स आ रहा है। दरअसल मुझे कुछ कहना है एक फिल्म बता दी कि एगो फुल प्रूफ लव स्टोरी होके वाले बिया जो ना के देख के खूब मजा आए वाला बा। काहे कि एमे काजल राघवानी के जो ना हिसाब से हम एगो वाला वीडियो आपके बना के बतेलन कि कैसे उमे कमाल्स के और क्यूटनेस वाला रोल में नजर आ रहा बड़ी और कितना उ प्रभावित होखे वाला बाटे रोल और प्रदीप पांडे चिंटू के साथ इनका कॉम्बिनेशन कितना सुंदर होखे वाला बा ओकरा बारे में हम रहो लोगों के विस्तार में बचा चुके वाले। तो फाइनली ये कमाल के फिल्म होखे वाले भी और कमाल के शूट भी हो तो ये फिल्म के लगभग लगभग आधा से अधिक के हिस्सा के शूट कर रहे बटे और कमाल के गाना भी आजकल शूट ए फिल्म से जुड़ल हो रहा बा। तो चलिए फिल्म के डायरेक्टर बने अनंजय रघुराज के कहना बटे कि ये फिल्म प्रदीप पांडे चिंटू और हमरों खातिर बहुत ही बेस्ट एम बेस्ट वाला करियर बटे और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ये फिल्म एगो अपन स्थान और जगह खुद ब खुद बना के आई और बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा कमाल करी। हाँ, एगो शुद्ध लव स्टोरी वाली कहानी भी है जो ना में यूनिक्स करत नजर आई प्रदीप पांडे चिंटू। असल में फिल्म का अगर देखिए स्टार कास्ट में तो प्रदीप पांडे चिंटू, काजल राघवानी, श्वेता मेहता, अनारा गुप्ता ए फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आवेला बाढ़ जाए। तो चलिए अब हमने कहा अगला खबर की तरफ जी, खबर बाटे यश कुमार के फिल्म परशुराम से। परशुराम फिल्म के बारे में बता रही तो परशुराम ये अध्यात्म वाला परशुराम से जुड़ल कहानी नहीं खे, ये आधुनिक वाला परशुराम से जुड़ल कहानी बा। कोनो व्यक्ति रहता शायद उनका नाम परशुराम रहता और वो कैसे सच्चाई और मतलब चीज के रास्ता पर चलत रहन, ये सब कुछ ए फिल्म में देखे मिले और कैसे उनका संग शोषित या वगैरह वगैरह होत बटे, कैसे उकरा से निकलत रहन, उबरत रहन और लोगन के बचावत रहन, ये सब कुछ वो टाइप के ये फिल्म भी है जो ना में एगो हीरो मसीहा कैसे बनेला, तो वो टाइप के मसीहा वाली फिल्म भी है। इससे पहले हमने के बहुत सारा ऐसा मसीहा वाला फिल्म देख चुकल बानी, अब देखिए बटे कि मसीहा वाला फिल्म में का का देखल के मिला था। तो पहले यश कुमार और सुभी शर्मा के फिल्म बहुत ही कमाल और यूनिक सुबाई है, एमे अवधेश मिश्रा भी एगो अलग रोल में नजर आवेल बड़ा, यानी ये फिल्म अगर एक तरफ से देखी तो बहुत ही सुंदर और कमाल के होखे वाली भी है। तो हमने के अगला फिल्म के बारे में बात कर ली, अब
खेसारी लाल यादव के फिल्म आशिकी के बारे में। आशिकी फिल्म के बारे में बता दी तो आशिकी फिल्म एगो बहुत बड़का फिल्म भी भोजपुरी सिनेमा के मौजूदा समय के देखते हुए मौजूदा समय और सिचुएशन के एकदम से फर्क के ए फिल्म के बनावल के बाद जौना में एकदम से कमाल और यूनिक्स मतलब स्टोरी भी या एक्टिंग भी या गाना बाटे मतलब एकदम से मसाला से भरपूर बाटे और समाज के ऊपर कुछ फोकस भी बा ए फिल्म में। तो फाइनली आशिकी फिल्म बता दी कि वो अलग टाइप के प्यार मोहब्बत वाली फिल्म भी है। तो चल ए फिल्म के अब रिलीज होके जा रहा भी है सिनेमा घर में। हाँ, छठ पूजा के शुभ अवसर पर ए फिल्म के सिनेमा घर में रिलीज कर ली और एकदम से कमाल की फिल्म होखे वाले भी है। दरअसल ए फिल्म का रिलीज कर ली बिहार झारखंड और यूपी दिल्ली में ए फिल्म के छठ पूजा के शुभ अवसर पर रिलीज होके जा रहा भी है। तो रोमा लोग में देखम इंजॉय करम अभी इन मीडिया के हवाले से खबर आई बट। तो फाइनली ये फिल्म के पराग पाटिल कैले बड़ा डायरेक्ट और कमाल के ही फिल्म बनैले बड़ा। बाकी खेसारी लाल और अम्रपाली दुबे के कॉम्बिनेशन भी तो ट्रेलर में देख लानी बहुत ही मजा आत बट। तो चलिए अब हमने की अगला खबर की तरफ बढ़ी वो बटे क्रिकेट के बारे में। अगर हमने क्रिकेट के बारे में बताई तो काल क्रिकेट में मैच भवे दूगो मैच कमाल के भवे जॉन एगो मैच भवे इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले बैटिंग करते वक्त बना हुए 124 रन 9 विकेट पर 20 ओवर में वही जो इंग्लैंड 124 रन के आसानी से 126 रन बना दिए हुए दो विकेट पर 14.1 गेंद में और 8 विकेट से इंग्लैंड ए मैचिया के जीत ली हुए। अब अगला मैच भवे नाविया और स्कॉटलैंड के बीच वही जो स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करते वक्त 109 रन बना हुए 8 विकेट गंवा के 20 ओवर में ओकरा बाद से नाविया एकदम से गर्दा करते हुए 115 रन बना दिए हुए 6 विकेट पर वही जो 19.1 गेंद में इमैच के जीत ली हुए और 4 विकेट से इमैच के जीत ली हुए। तो फाइनली नाविया के वर्ल्ड कप में पहला मैच है जो उनकी जीत चुकल बड़न और अपन खाता खोल चुकल बड़न। ओकर बाद से आज मैच भी है श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया 7:30 बजे से आज एक ही मैच भी है। तो चलिए अब हमने के अगला खबर की तरफ बढ़ ली मतलब आज के एल्बम कौन खास खास बाटे। दरअसल खेसारी लाल के एगो गाना रिलीज भइल हुए आज बहुत ही यूनिक छठ वाला गाना। गाना के बोल बाटे झुमका गिरल बा छठ माई छठ घाट पर हम कि झुमका गिरल बा ई हमरो छठ घाट पर। गाना काफ़ी यूनिक्स बाटे सुंदर लागत बा सुन के मज़ा भी आवत बा डांस वांस भी देख के वीडियो एकदम कलरफुल बाटे मज़ा आवत बा बस थोड़ा सा हमके फील हो रहा बाटे गिल्टी टाइप के। अब हम का फील ये हो रहा बा कि खेसारी लाल यादव के तो आवाज़ में गाना बाटे लेकिन खेसारी लाल खड़ा बड़न और वही जो लिपसिंग कर दरी एगो मतलब आर्टिस्ट तो तना क्यों अच्छा नहीं करत काश खेसारी लाल ही वही में नजर आई तो मज़ा आ जाए। तो चलिए अब हमने अगला खबर की तरफ वो बाटे प्रमोद प्रेमी के गाना। गाना के बोल बा मुखिया बना दी छठ माई। अब छठ माइए मुखिया बनाओस मैंने करतब तो हम लोग कुछ ना करवा जाए छठ माइए कहस कि मुखिया बन जा फलाना बन जा ढींचा बन जा खूब जाकर लुटा जा। अरे माँ दबा कुछ हो तो शरम कर जाए ये कहता कि हम ईमानदारी समझदारी का काम करब लेकिन ना मतलब भगवान के मतलब एहू में लिप्त कर लो चोरियों में गजब के बेटा बरबा। तो फाइनली गाने की तरफ से फालतू बटे सुन के तना क्यों मज़ा ना आई हमको जहाँ तक उम्मीद बटे बाकी तने मैंने मुखिया वाला लोग सुन ले वाला बटे लेकिन एकदम से फालतू और वाहियात टाइप के ही गाना बटे। अब वो जो अगला गाना बटे गुंजन सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका के पंडित जी। हाँ पंडित जी गाना देखा जाए तो गाना ठीक ठाक लागत बटे गाना के एकदम से बोल और थीम एकदम साफ साफ समझ में आता कि कैसे एगो पंडित बड़ा अपना घाट पर अपन पत्नी के लेके मतलब छठ व्रत करे बड़ा लेकिन अचानक से उनका मोह माया और लालच लाग जाता दूसरा घाट पर चल जाते रहन और जगह बाद दूसरा के अर्घ दिवावे लगत रहन। उनका पत्नी फोन करके कहते का हो छठियों के दिन तू हमरा के तंगे करबा का जल्दी आओ छठ घाट पर। तो फाइनली गाना बहुत ही खूबसूरत बटे। तो आज के प्राइम टाइम में बस बस इतना ही रहूँ सब देखते रहें न्यूज तक भोजपुरी बाकी राम जी।